हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार एवं रंगकर्मी डिस्कस करेंगे। चित्रकार और रंगकर्मी के ऊपर होगा यह लेक्चर। आपको हमारी जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है वो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है, माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते, देरी ना करते हुए, मध्य प्रदेश में चित्रकार एवं रंगकर्मी। देखिए चित्रकार, चित्रकार क्या होते हैं? चित्रकार चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, बहुत ही आसान है। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो पेंटर, याद रखें। अब बात कर लेते हैं रंगकर्मी की। रंगकर्मी क्या होते हैं? रंगकर्मी की बात करें, रंगकर्मी क्या होते हैं? तो रंगकर्मी क्या होते हैं सुनिए, नाटक में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं उन्हें रंगकर्मी कहते हैं। क्या आया समझ? नाटकों में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं उन्हें रंगकर्मी कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो थिएटर कहते हैं। तो एक एक करके पहले अपन पूरे प्रमुख मध्य प्रदेश के चित्रकार डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, उनने कहाँ क्या काम किए, अपने जीवन में क्या उपलब्धियाँ की हैं, सब परीक्षा में पूछी जाती है उसको देख लेते हैं, और रंगकर्मी देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले विष्णु दिनकर चिंचालकर जी का जन्म 5 सितंबर 1970 को देवास जिले के आलोट गांव में हुआ था। जिले का नाम आ सकता है, देवास जिले के आलोट गांव में हुआ था, याद रखना है, देवास जिले के आलोट गांव में हुआ था। इन्होंने मुख्यतः प्रसिद्धि लैंड ऑफ आर्ट कंटेंट से पाई। इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कैसे मिली? लैंड ऑफ आर्ट कंटेंट से मिली या पाई। इन्होंने बच्चों के आरंभिक अक्षर ज्ञान के उद्देश्य से चाक्षुष दृश्य विधि का आविष्कार किया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चाक्षुष दृश्य विधि का आविष्कार किनने किया था? चिंचालकर जी ने। 1950 में इन्होंने गुड फ्राइडे कलाकारों का एक समूह बनाया, और 1960 में उत्कृष्ट पोर्ट्रेट पर उन्होंने IAIFAC के अंतर्राष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार मिला था। ये AIFAC क्या है? यह है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जो दिल्ली में है। वहाँ से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार मिला था। और 1984 में शिखर सम्मान, देखो शिखर सम्मान भी मिला हुआ है इन्हें 1984 में शिखर सम्मान, और 1991 में इंदौर रत्न प्रदान किया गया था। तो ये था चिंचालकर जी से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देवास जिले में हुआ था, आलोट गांव में, याद रखना है, और इन्हें प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हुई, और इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं सब डिस्कस कर लिए अपन। और 2000 में इन्हें हृदयघात से निधन हो गया था, सन 2000 में इनका निधन हुआ था। आगे बात करते हैं डी डी देव लालिकर जी की। इनका जन्म 1883 में धार जिले के विडवाल नामक गांव में हुआ था। देखिए धार जिले के थे ये, धार जिले के विडवाल नामक गांव में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष कहे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष डी देवलालिकर जी को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष कहे जाते हैं। इनकी शैली कैसी थी? डेकोरियम लिस्टिक शैली है। इनकी जो शैली थी वो डेकोरियम लिस्टिक शैली है। इनका निधन 1978 में दिल्ली में हुआ, और देवलालिकर फाइन आर्ट कॉलेज इंदौर में है, इन्हीं के नाम पर देवलालिकर फाइन आर्ट कॉलेज इंदौर में है। तो ये था इनसे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जन्म याद रखिए धार जिले से हुआ था, और इन्हें क्या कहे जाते हैं? मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। यहाँ
एमएफ हुसैन के नाम से जाने जाने वाले भारतीय चित्रकार थे। तो एमएफ हुसैन इन्हीं को कहा जाता था, नाम से जाने जाने वाले भारतीय चित्रकार थे। यह एक कलाकार के तौर पर इन्हें सबसे पहले 1950 के दशक में ख्याति मिली, यानी प्रसिद्धगी मिली, ख्याति मिली। 1952 में इनकी पहली एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख में हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख में हुई थी। 1952 में इनकी पहली एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख में हुई थी, याद रखना है। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पांडरपुर में हुआ था। देखिए, जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन ये फिर इंदौर में आके बस गए थे, तो इंदौर निवासी थे, है ना, इसलिए मध्य प्रदेश के निवासी बन गए और मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार में इनका नाम आता है। फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें क्या है, अगला फैक्ट, फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें पिकासो ऑफ इंडिया कहा है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कभी डीपली पूछा जाएगा तो पिकासो ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, किसे कहा है फोर्ब्स पत्रिका ने, मकबूल फिदा हुसैन जी को। भारत सरकार द्वारा 1966 में पद्म श्री मिला, 1966 में इनको पद्म श्री, 1973 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्म विभूषण, सॉरी फिर से बताता हूँ, 1966 में इनको क्या मिला, पद्म श्री, 1973 में इनको मिला पद्म भूषण, और 1991 में मिला इनको पद्म विभूषण। देखो, सब भूषण जितने ही पद्म श्री वाले पुरस्कार है, ये पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है, राष्ट्रीय सम्मान दूसरा सबसे बड़ा, तो सम्मान मिला है तो याद रखना है। और 1987-88 में कालिदास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो 1987-88 में कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है। नौ जून 2011 को लंदन के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। और वर्ष 1987 में हुसैन को फिल्म थॉट द आइस ऑफ पेंटर के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। तो ये थे इनसे, मकबूल फिदा हुसैन जी से, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सब याद रखना है। क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा डीपली पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के पूछते हैं। देखो, इनको ये याद रखना है, तीन सम्मान मिले हैं बड़े बड़े। तो मकबूल फिदा हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र के पांडरपुर में थे और इंदौर निवासी थे, तो ये याद रखना है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। सैयद हैदर रजा इंपॉर्टेंट है, सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार रहे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बाबरिया ग्राम में हुआ था 1922 में। इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, नरसिंहपुर जिले के बाबरिया ग्राम में हुआ था 1922 में। इनके उल्लेखनीय चित्रों में अटल शून्य, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, सफेद फाल, फूल नाग इत्यादि है। देखो, इनके उल्लेखनीय चित्र कौन से हैं, इनके उल्लेखनीय चित्रों में अटल शून्य, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, सफेद फूल नाग इत्यादि हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या बनते हैं इनसे फैक्ट। 1981 में पद्म श्री सम्मान और मध्य प्रदेश सरकार ने 92-93 में कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो देखो, इतने सम्मान मिले हैं, सब याद करना है, क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं। 2010 में वे भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बन गए। 2010 में वे भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बन गए जब उनका सौराष्ट्र नामक सहजनात्मक चित्र का नाम क्या है, पेंटिंग का नाम सौराष्ट्र नामक सहजनात्मक चित्र 16,42,00,000 रुपए में बिका, याद रखना है। रजा जी ने 1947 में मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक भी रहे हैं।
तो मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक भी रहे हैं ये, और इनके चित्रों में समर नामक चित्र पेरिस कला संग्रहालय में, क्या नाम है उसका, समर नामक चित्र पेरिस कला संग्रहालय में, विलेज नामक चित्र फ्रांस संग्रहालय में, और रूप कद्दू नामक चित्र ललित कला संग्रहालय भोपाल में है। तो ये कुछ इनके चित्रकार हैं, चित्र हैं जो कुछ संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो याद रखना है आपको, इनके चित्रों में समर नामक चित्र पेरिस संग्रहालय में और फ्रांस संग्रहालय में है, विलेज नामक चित्र और रूप कद्दू नामक चित्र ललित कला संग्रहालय भोपाल में रखा हुआ है, रूप कद्दू नामक चित्र। तो ये थे, और ये फ्रांस से याद आ रहा है, फ्रांस कला संग्रहालय में। 1950 के बाद फ्रांस में जाकर कार्य किया इन्होंने, और इनका जो निधन है वो 2016 में दिल्ली में हुआ था। तो ये भी इनसे रिलेटेड है, सैयद हैदर रजा जी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बाबरिया ग्राम में 1922 में हुआ था। तो इनसे इतना ही जो भी याद रखना है, यहाँ से मैंने जो भी बताया, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, पेंटिंग का नाम जैसे सौराष्ट्र है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं, नारायण श्रीधर वेंद्रे का जन्म 1910 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। देखिए, इंदौर में जन्म हुआ था इनका, 1910 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वेंद्रे की आरंभिक चित्रों में इंदौर की खासी शैली का प्रचुर प्रभाव था। वेंद्रे की प्रारंभिक चित्रों में इंदौर की खासी शैली का प्रचुर प्रभाव था। कश्मीर सरकार के विजिट्स ब्यूरो में पत्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी, कश्मीर सरकार के ब्यूरो में पत्रकार के रूप में किनने कार्य किया, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी बन सकते हैं। नारायण श्रीधर वेंद्रे ने, इन्होंने कार्य किया। पद्मश्री मिला इनको 1969 में, पद्म विभूषण मिला 1992 में, तथा कालिदास सम्मान 1986-87 में इन्हें मिला। तो याद रखना, इनसे कश्मीर के विजिट्स ब्यूरो में पत्रकार रूप में इन्होंने अभिनय किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले चित्रकार देखते हैं, देवयानी कृष्ण जी का जन्म इंदौर में हुआ था, याद रखना। देखिए, इनका भी जन्म इंदौर में हुआ था, इनके पहले वाले जो चित्रकार थे उनका भी जन्म इंदौर में था और इनका भी इंदौर में। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला इन्हें। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला है, याद रखना है, देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर। आगे चलते हैं, डी जी जोशी, पूरा नाम क्या है इनका, देव कृष्ण जयशंकर जोशी जी का जन्म 1910-11 में खरगोन के निकट महेश्वर में हुआ था। खरगोन के निकट, महेश्वर आता है खरगोन में, याद होगा आपको, तो खरगोन के निकट महेश्वर में हुआ था, तथा 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखना है, इनका नाम आ सकता है, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार रहे हैं डी जी जोशी का जन्म खरगोन जिले के महेश्वर में। आगे चलते हैं अपन, मध्य प्रदेश के अन्य चित्रकार देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में और अन्य चित्रकार भी हैं। तो रमेश पटेलिया राजाराम मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं। डॉक्टर मंजूषा गांगुली चित्रकार रही हैं। अफजल जगदीश स्वामीनाथन, वसंत आगासे, सुरेश चौधरी चित्रकार रहे हैं। एस के जमींदार, श्रेणिक जैन, रोबिन डेविस, डी के पंडित, अमृतलाल वेगड़ा, मदन भटनागर रहे हैं, यूसुफ सचिदा नामदेव इत्यादि मध्य प्रदेश के चित्रकार रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के चित्रकार से मैंने बता दिया, जो सामने के नाम थे, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको सभी याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के रंगकर्मी की। देखिए, मध्य प्रदेश के 5 नाम दिए हुए रंगकर्मी में, 5 नाम इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो रंगकर्मी क्या होता है, मैंने बता दिया था, इंग्लिश में थिएटर कहा जाता है, थिएटर नाटक में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं उन्हें रंगकर्मी कहते हैं, याद रखना है बस। अब देखते हैं रंगकर्मी कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख। पहला नाम आता है बाबा डीके का,
बाबा डीके का जन्म 1919 में नीमच में हुआ था, याद रखिए मध्य प्रदेश का जिला नीमच में हुआ था। इन्होंने अकाल तांडव नामक रचना से अपनी प्रसूति प्रारंभ की थी, याद रखना है अकाल तांडव रचना से, रचना किसकी है अकाल तांडव, बाबा डीके की अकाल तांडव। बाबा डीके का पूरा नाम गंगाधर महादेव डीके था। इन्होंने 1944 में इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना की थी। देखिए नाट्य भारती जो इंदौर में है उसकी स्थापना बाबा डीके ने की थी। इस संस्थान के अंतर्गत लिटिल थिएटर का गठन किया गया था, तो लिटिल थिएटर का गठन भी किसने किया था, बाबा डीके ने। बाबा डीके से इतना ही जन्म याद रखना, कहाँ हुआ था नीमच में। शरद शर्मा की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी रहे हैं शरद शर्मा। शरद शर्मा का जन्म 1956 में विदिशा में हुआ था, कहाँ हुआ था विदिशा में हुआ था। इनके प्रमुख निर्देशित नाटक से डेढ़ इंच ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, एक डेढ़ इंच ऊपर इनका नाटक है, डेढ़ इंच ऊपर, देशद्रोही, अप्रासंगिक, थैंक यू मी, ब्लड, कोर्ट मार्शल, कन्हैया समझ गया, बच्चों का सपना आदि प्रमुख है। शरद शर्मा ने अपनी कार्यस्थली, देखिए इनकी कार्यस्थली उज्जैन में अभिनय रंग मंडल का गठन किया था। उज्जैन में अभिनय रंग मंडल का गठन किया था इन्होंने। इनका जन्म विदिशा में हुआ था लेकिन इनकी कार्यस्थली उज्जैन थी, तो इतना इनसे याद रखना है। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी हैं शरद शर्मा। अब बात करते हैं हबीब तनवीर की। हबीब तनवीर की बात कर लेते हैं, इनका जन्म 1923 में रायपुर में हुआ था। तो रायपुर में हुआ था, तो रायपुर जब उस टाइम पे 1923 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, सब एक ही थे, इसलिए मध्य प्रदेश में नाम आता है इनका। इनका जन्म 1923 में रायपुर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, रायपुर याद रखना है, रायपुर में हुआ था। इन्होंने 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2007 में फ्रांस सरकार ने प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर्स ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से नवाजा गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, फ्रांस सरकार का सम्मान इनमें से किस रंगकर्मी को मिला है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। हबीब तनवीर याद रखना है, फ्रांस सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर्स ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स। 1954 में इन्हें दिल्ली में हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना की थी। हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना दिल्ली में किसने की, हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर ने 30 से अधिक लोकप्रिय नाटक में निर्देशन का कार्य किया है और 8 जून 2009 को इनका निधन हो गया। तो 8 जून 2009 को इनका निधन हो गया। हबीब तनवीर इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी रहे हैं, इनका जन्म रायपुर में हुआ, याद रखना है। और इनसे रिलेटेड जो जो चीज़ बताया, जैसे पुरस्कार कौन सा मिला है, क्या मिला है, इनको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, नरहरि पटेल जी का जन्म 1934 में रतलाम के सैलाना में हुआ था। इनके द्वारा जन नाटक संघ तथा यवनिक नामक दो संस्थाएं की स्थापना की गई थी। जन नाटक संघ और यवनिक नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। दैनिक नव दुनिया में प्रकाशित अपने स्तंभ थोड़ी धनी, देखिए कौन सी स्तंभ है, थोड़ी धनी से माध्यम से श्री पटेल ने मालवी को साहित्य की भाषा बना लिया, मालवी को साहित्य की भाषा बना लिया था, याद रखना इनका नाम। नरहरि पटेल ने मालवी को साहित्य की भाषा बना लिया, दैनिक नव दुनिया में प्रकाशित अपने स्तंभ थोड़ी धनी के माध्यम से। तो नरहरि पटेल जी का जन्म रतलाम सैलाना। आगे बात करते हैं अपन विभू कुमार की। विभू कुमार का जन्म 1942 में सागर में हुआ था, याद रखना है, सागर में हुआ था 1942 में। इनके प्रमुख मंचन में तालोवंद, प्रजातंत्र, भिकमंगे मुखोटे, हत्या एक प्रकार की, अभिमन्यु सड़क पर और बाकी इतिहास आदि है। तो याद रखना है, विभू कुमार मध्य प्रदेश के रंगकर्मी हैं, इनका जन्म सागर में हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ विविध, देख लेते हैं विविध कुछ फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ से, वर्तमान में साहित्य, वर्तमान में साहित्य 1980 एवं 2016 से 1980 एवं 2016 से नृत्य, नाटक, संस्कृत, उर्दू संगीत, दुर्लभ वाद वदन एवं आदिवासी लोक कला में दिया जाता है। तो क्या है ये? वाद वादन व आदिवासी लोक कला में दिया जाता है। साहित्य किस किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये बोला गया, नृत्य, नाटक, संस्कृत, उर्दू संगीत। ये आगे अगला फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया था। सांस्कृतिक परिषद का गठन 2003 में किया गया था, अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के हिंदी भाषा में लिखने वाली प्रमुख बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश के हिंदी भाषा में लिखने वाले प्रमुख बाल साहित्यकार के रूप में जाहूर वक्स का नाम प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है ये नाम, आ सकता है। जाहूर वक्स का नाम प्रसिद्ध है बाल साहित्यकार के रूप में, याद रखना है फैक्ट। अगला फैक्ट चलते हैं। शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कवियात्री सुभद्रा कुमार चौहान थी। इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कवियात्री सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कवियात्री, देखो कवि, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियात्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते कई बार, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियात्री। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, याद रखना है। आगे चलते हैं। पहली बार 1865 में फरुखाबाद में बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स इलियट के आला खंड की 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई गई। तो बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स इलियट ने आला खंड, देखो आला खंड है, उसकी 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई थी, ये कहना जा रहा है फैक्ट। आगे चलते हैं अपन, मध्य प्रदेश की चित्रकला देख लेते हैं। चित्रकला से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मध्य, देखिए भीम बेटिका चित्रकला की राजधानी कहा जाता है। भीम बेटिका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीम बेटिका कहाँ पर है? भीम बेटिका गुफाएं अब्दुल्लागंज में है, रायसेन जिले में, यूनेस्को में शामिल है, 2003 में शामिल की गई थी, इंपॉर्टेंट है। चित्रकला की राजधानी कहा जाता है भीम बेटिका को। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज में है, रायसेन जिले में, ये फैक्ट कवर होता है। आगे चलते हैं। नीमच के जावद जावद व मानास चट्टान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो नीमच जिले में जावद है, जावद व मानास की चट्टान, दो चट्टान है नीमच जिले में, याद रखना, ये फैक्ट ऐसे बन जाते हैं कई बार। नीमच में जावद और मानास की चट्टान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए। वाजिद खान मंदसौर के वाजिद खान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट, चित्रकार, पेटेंट धारक व आविष्कारक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। वाजिद खान कहाँ के? मंदसौर के, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, पेटेंट धारक और आविष्कारक थे वाजिद खान। डायरेक्ट आ सकता है वाजिद खान कहाँ के थे? मंदसौर जिले के, याद रखना मंदसौर जिले के। चित्रंगी सिंगरौली चित्रित चट्टान आश्रय के लिए जानी जाती है। तो चित्रंगी चट्टान कहाँ पर है? चित्रंगी चट्टान सिंगरौली में है, याद रखना है। चित्रित चट्टान आश्रय के लिए जानी जाती है, चित्रित चट्टान आश्रय के लिए जानी जाती है। अगले फैक्ट देखते हैं उसके आगे। ग्वालियर का एक गाँव बिलौआ, देखो बिलौआ, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बिलावा की गुफाएं कहाँ पर है? बिलावा की गुफाएं ग्वालियर में है, याद रखना है। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर चित्रकला देखी जा सकती है, तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये गुफा, बिलौआ की गुफा, याद रखना है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कवि घग मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घग कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं घग, और ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। आगे चलते हैं। उस्ताद आमिर खान ने प्रसिद्ध फिल्म बैजू बावरा के अतिरिक्त झनक झनक पायल बाजे गंजू गूंज उठी सहनाई में अपना संगीत दिया था, ये बोल के नाम है। अतिरिक्त झनक झनक पायल बाजे गूंज उठी सहनाई में अपना संगीत दिया था उस्ताद आमिर खान, इन्हीं के नाम पर उस्ताद आमिर खान समारोह का आयोजन इंदौर में होता है। आगे चलते हैं। सत्रह के आसपास रीवा के नरेश विश्वनाथ सिंह ने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन लिखा है।
भरतेंदु ने इसे हिंदी का पहला नाटक के माना है। तो आनंद रघुनंदन किसने लिखा है? नरेश विश्वनाथ सिंह ने। रामकथा पर आधारित है। भरतेंदु ने इसे हिंदी का पहला नाट्य माना है। तो आनंद रघुनंदन लिखा है, भरतेंदु ने इसे हिंदी का पहला नाट्य माना है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, पिथौरा भित्ति चित्र मध्य प्रदेश के झाबुआ का अनुष्ठानिक चित्रकर्म है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, पिथौरा भित्ति चित्रकला का संबंध किससे? तो झाबुआ जिले से। और कभी जनजाति पूछा तो भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है या भील जनजाति से है? तो पिथौरा भित्ति मध्य प्रदेश के झाबुआ का अनुष्ठानिक चित्रकर्म है, झाबुआ जिले का चित्रकर्म है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किए अपन ने। उसके बाद आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार व प्रदर्शनी 2019, इसे जल्दी से क्विकली तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार ये श्रीमती निधि चोपड़ा जो भोपाल की, उन्हें दिया गया था मूर्ति शिल्प के लिए। आगे देखते हैं, मुकुंद सखाराम भंड पुरस्कार सम्मी विश्वकर्मा को दिया गया, ग्वालियर के हैं, मूर्ति शिल्प के लिए दिया गया था। सैयद हैदर रजा पुरस्कार अंशु पंचोली देवास की, उन्हें दिया गया था लेडी कड़कनाथ। उसके बाद आगे देखते हैं, दत्तात्रेय दामोदर देवलालिकर पुरस्कार सुभाष पोयल को दिया गया, भोपाल के, ग्लोबल वार्मिंग आयरन उठ के लिए, शिल्प के लिए। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार भारत जैन विदिशा वाले को दिया गया, विदिशा के अवर न्यू कल्चर के लिए। विष्णु चिंचालकर पुरस्कार मनीषा अग्रवाल इंदौर की, उसे दिया गया पेंटिंग के लिए। नारायण श्रीधर वेंद्रे पुरस्कार गुंजन लड्डा इंदौर के हैं, उन्हें दिया गया। रघुनाथ रामकृष्ण फाड़के पुरस्कार सुषमा सी टोके भोपाल को दिया गया, अमृतस्य नर्मदा पेंटिंग के लिए। राम मनोहर सिंह पुरस्कार सुचिता ए मनाले को दिया गया, भोपाल की, ग्राफिक्स के लिए। लक्ष्मी सिंह राजपूत पुरस्कार ये शालिनी आनंद भोपाल को दिया गया ड्राइंग के लिए। तो ये 2019 के डिस्कस किए हैं अपन ने जो मिले हैं पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार व प्रदर्शनी 2019। लेकिन इसके पहले वाला जो भी ये टॉपिक था, ये स्टैटिक जीके विविध वाला टॉपिक है जो बदलता नहीं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सबको याद रखना है, वीडियो को एक दो बार देखें, क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति से, और क्वेश्चन का लेवल जो है डीपली भी हो सकता है। इसलिए किन व्यक्ति ने अपनी जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ, क्या क्या कौन से देश में जाके रहे हैं, किस प्रकार के किए हैं, जो पुरस्कार मिले उनको भी याद रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश में चित्रकार और रंगकर्मी से। आपको हमारा ये लेक्चर और हमारा ये प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।